हलचल टीवी न्यूज। जहां सरकार पंजाब में नशे पर कई तरह के बयान देती है, वहीं नशे की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। इसी के तहत अमृतसर के नारकोटिक विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर से पुलिस ने 5 किलो हेरोइन बरामद की है। इस संबंध में ADCP लखबीर सिंह ने बताया कि नारकोटिक्स विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति 5 किलो अफीम लेकर अमृतसर आ रहा है। इस आधार पर अमृतसर के जहाजगढ़ इलाके में की गई नाकेबंदी के दौरान तरनतारण निवासी जसपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ADCP के मुताबिक आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर हासिल किया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी। पुत्र सरगुराम कौम बाल्मीक वासी मकान नंबर 1125 बिहार ढाबे का काम करता है। यू साढ़े नारकोटिक सैल के इंचार्ज है भविंदर महाजन, उन्होंने वालों काबू किया गया, जिसे को 5 किलो अफीम रिकवर की है। असी इसकी तफ्तीश चल रही है, परचा दर्ज किया OPM NDPS एक्ट के तहत। तो ये जो बनती कार्रवाई अगर जो बनती कार्रवाई जो हालात सामने आने जो होर कोई रिकवरी होएगी वो संबंध में कार्रवाई की जाएगी। ये हूँ तक की मुढ़ली तफ्तीश तो पाया गया भी यह बिहार च गया तो अफीम लिया उतों अफीम लिया के इतने फरदर रिटेल सेल आउट करता। तफ्तीश करांगे जी, उस बाद जो नक्सलवादी इलाका होया तो भी देखांगे जितों की है। तफ्तीश के दौरान जो सामने आएगा तथ्यों सामने तुहाडे लैंदे आ। साडे कोल तां फिलहाल मुढ़ली तफ्तीश तो अमृतसर ही आया जी। उस बाद ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿ ਫੇਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੇ ਲਿਏ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼।